ही फ्रेंड्स वेलकम टू टॉपर्स वर्क आज हम केमाल पाशा के द्वारा टर्की में किए गए मॉडर्नाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं एंड फ्रेंड्स ये वीडियो मैंने वंदना यादव के कमेंट करने पर बनाया है तो अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो या आपको किसी टॉपिक पर मटेरियल चाहिए तो हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो so, हम देखने वाले हैं कमाल पाशा के अंडर टर्की का आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन कैसे हुआ सो so, इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कमाल पाशा जो थे वो राजतंत्र को हटाकर गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक की स्थापना करते हैं वे नए नए आइडियाज लेकर आते हैं एंड लगभग हर क्षेत्र में चाहे वो सोशल हो यानी सामाजिक हो कल्चरल हो या पॉलिटिकल हो है ना सब चीज़ों में वो मॉडर्नाइजेशन लाते हैं सो so, हम आगे देखते हैं जब केमाल पाशा पावर में आते हैं एक्चुअली उनसे आने से पहले देखते हैं केमाल पाशा के पावर में आने से पहले टर्की का जो हुलिया था वो पूरा बिगड़ा हुआ था एम्पायर तो बहुत बड़ा था पर उसको संभालना बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा था एम्पायर ठीक है तो उसके लिए एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था और उस समय टर्की की एडमिनिस्ट्रेशन की दोस्तों वाट लगे हुई थी तो लगभग ढाई सौ सालों से लड़ाइयाँ हो रही थी लड़ाइयाँ लड़े जा रहे हैं लड़े जा रहे हैं अगल बगल के स्टेट्स भी आपस में लड़ रहे हैं कट रहे हैं मतलब शताब्दियों तक डी दि मतलब डिकेट्स तक तो मतलब शांति का नामो निशान नहीं था टर्की में हो हल्ला हर तरफ मचा हुआ है तो सुल्तान का ध्यान कैसे जाए जनता के ऊपर है ना तो वो अपनी जनता की देखभाल भी नहीं कर पा रहे और ना एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान दे पा रहे हैं वो बस क्या कर रहे हैं लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लड़ाई लड़ने के लिए पैसे खर्च हो रहे हैं ठीक है थीके? पूरा ध्यान बस बॉर्डर पर उनका है ठीक है अपने जो टर्की है उसके बॉर्डर पे ठीक है क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है तो राज्य की सीमा की सुरक्षा भी तो करनी होगी सो उनका सारा ध्यान वही है पर रखे पैसे कब तक काम आएंगे दोस्तों है ना सुल्तान जी कब तक पैसे काम आएंगे रखे हुए तो शुरू हो गई पैसे की तंगी अब तो सोल्जर्स भी भूख से मरने लगे थे इतना बुरा कंडीशन आ गया था टर्की का कि जो लोग टर्की के लिए लड़ रहे हैं वहाँ के जो सैनिक हैं उनके मतलब उनकी भुखमरी आ गई सो बहुत बुरा कंडीशन था उस समय टर्की का एंड जहाँ से भी उन्हें दो पैसे मिल रहे थे ना और जो ऑफिशियल्स थे जहाँ से भी दो पैसे मिल रहे थे वो उधर ही हो ले रहे थे उस वजह से क्या हुआ करप्शन आने लगा तो वो बेचारे भी क्या करे पापी पेट का सवाल है है ना जहाँ से पैसे थोड़े से आ रहे हैं वो उधर के हो ले रहे हैं सो हम यहाँ देख रहे हैं कि हर चीज़ पूरी अस्त व्यस्त हो चुकी थी टर्की में एंड कमाल पाशा की एंट्री होती है फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जिस समय गैलीपोली की लड़ाई हो रही थी टर्क्स और ब्रिटिश के बीच ये एकदम जिंदगी और मौत की लड़ाई जैसी थी ये बैटल ठीक है एंड बहुत बार तो ऐसा लग रहा था कि टर्की तो भाई अब गई हार गए ये तो पर जैसा कि इंग्लिश में एक कहावत है कि किस्मत भी बस साहसी लोगों का ही साथ देती है और यहाँ कमाल पाशा का साहस और किस्मत दोनों काम आता है एंड लगभग पूरी हारी हुई बाजी टर्क्स जीत जाते हैं एंड ब्रिटिश जीतते जीतते हार जाते हैं एंड फाइनली वहाँ से भाग लेते हैं हार गए तो भाग लिए वहाँ से फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं इसे बिल्कुल एक कहानी की तरह बता रही हूँ आपको सो so डैट ये आपके दिमाग में फिट हो जाए ताकि आप ईजिली अपना आंसर्स लिख सको एंड फ्रेंड्स प्लीज अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब भी करें सो so, इस बैटल के साथ ही खेमाल पाशा पूरे लाइमलाइट में आ जाते हैं हीरो बन जाते हैं वो टर्की के तो टर्की में भी कुछ रेवोल्यूशंस तो हो रहे थे क्या क्या हो रहे थे वो देखते हैं तो टर्की की हालत जैसे कि हमने देखी कि बहुत बुरा हाल था टर्की का तो रिवोल्यूशन आना तो तय था है ना एंड कमाल पाशा भी साथ देते हैं क्योंकि सुल्तान की पॉलिसीज़ वगैरह उन्हें भी पसंद नहीं थी और सुल्तान ना एक तरह से आप कह लो कि कटपुतली बन चुका था ठीक है जो फॉरेन पावर्स थे ब्रिटेन इटली ग्रिक ये सब का ना पूरा कठपुतली बन चुका था सो so, एनीतोलिया में एक नेशनल असेंबली का गठन कर किया जाता है और वहाँ पे एक स्वतंत्र सरकार बना देते हैं ठीक है उस एरिया में जहाँ पे नेशनल असेंबली बनी थी और अंकारा को बनाया जाता है कैपिटल और इसके साथ ही शुरू होता है लड़ाइयों का दौर किसके साथ ब्रिटेन ग्रीक इटली इन सब के अगेंस्ट क्योंकि ये लोग मतलब डोमिनियन पावर थे ठीक है ये काफ़ी स्ट्रांग पावर थे और टर्की को बहुत सप्रेस कर रहे थे और सुल्तान तो मतलब कठपुतली बन चुका था इनका तो अगर टर्की का उद्धार करना है टर्की में चीज़ें ठीक करनी है तो इन्हें हराना होगा और इन्हें टर्की से बाहर निकालना होगा सो कमाल पाशा लड़ाई और लड़ते हैं और ये फाइनली जीतते भी हैं ठीक है तो जब भी लड़ाई होती है तो लड़ाई ख़त्म होने के बाद एक पीस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है जहाँ पे शांति समझौता होता है तो वही शांति समझौता जो होता है लाउसेन पीस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है वहाँ पे होता है और कमाल पाशा तो जीत रहे होते हैं उनकी लगभग सारी डिमांड्स वो अपनी मनवा लेते हैं फॉरन पावर्स से एंड यहाँ पर जो हमारे जो सुल्तान थे पहले टर्की के वो अब ना घर के रह जाते हैं ना घाट के मतलब अब फॉरेन पावर्स तो चली गई वहाँ से तो उनके उनके साथ फॉरेन पावर्स भी नहीं है और टर्की में जो उनका राज्य था वो भी अब नहीं बचा ठीक है तो पाशा आते हैं पावर में और जैसे ही वो पावर में आते हैं वो सबसे पहले तो सुल्तान का पद ही ख़त्म कर देते हैं ठीक है और टर्की के लोगों को कहते हैं भैया अब यहाँ पे सल्तनत वल्तनत नहीं होगा कुछ सुल्तान वुल्तान नहीं है अब टर्की एक रिपब्लिक है एक गणतंत्र है फ्रेंड्स uh, रिपब्लिक का मतलब होता है कि uh, जहाँ पे हेड ऑफ़ द स्टेट जनता के द्वारा चुना जाता है ठीक है ऐसा नहीं कि कोई राजा है ठीक है फिर उसका बेटा राजा बनेगा फिर उसका बेटा राजा बनेगा ऐसा नहीं होता इलेक्शन होगा और जनता चुनेगी अपने रूलर्स को ठीक है तो ये सिस्टम कौन लाता है टर्की में जी हाँ हिमाल पाशा इंट्रोड्यूस करते हैं एंड फ्रेंड्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो देखते हो ना इफ अगर नहीं देखते दोस्तों तो प्लीज़ देखें क्योंकि उससे आपको आइडिया मिलेगा क्वेश्चन का ट्रेंड एंड कई बार तो सेम क्वेश्चंस रिपीटेड भी हो जाते हैं सो so फ्रेंड्स ये सब आपको मिलेगा हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें क्योंकि फ्रेंड्स ये चैनल है ना बी ए हिस्ट्री और एम ए हिस्ट्री पर फोकस रही यहाँ आपका पूरा सिलेबस कवर होने वाला है सो so सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर लें तो अब हम देखेंगे किस तरह के पाशा मॉडर्नाइजेशन ला रहे थे रिफॉर्म्स के फॉर्म में तो मोटा मोटी पांच छः प्रिंसिपल पर बेस्ड होते थे उनके रिफॉर्म्स ठीक है एंड प्रिंपल्स आई मीन प्रिंसिपल्स क्या होते थे uh, वो बेसिकली होते थे कि रिपब्लिकनिज्म uh, को वो फेवर करते थे गणतंत्रवाद को है ना नेशनलिज्म लाना चाह रहे थे यानी राष्ट्रवाद और सबसे इंपॉर्टेंटली था कि वो स्टेट को धर्म से अलग करना चाह रहे थे यानी कि सेक्युलरिज़म ला रहे थे क्योंकि अकॉर्डिंग टू कमाल पाशाह जो रिलीजन जो है ना वो एक तरह का बैरियर है ठीक है एक तरह का आप समझ लो आ, बेड़ा है ठीक है जो कि पैर की बेड़ी एक तरह से जो आगे बढ़ने नहीं दे रही हो लोगों को तो वो ये चीज़ करना चाह रहे थे तो अभी तक हमने पढ़ा कमाल पाशा के बारे में अब हम क्वेश्चन का जनरली जो सेकंड पार्ट होता है कि उनका आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन अब हम वो देखते हैं तो उनतीस अक्टूबर नाइनटीन तक पाशा जो थे उन्होंने टर्की में गणतंत्र घोषित कर दिया उसके साथ ही सबकी सहमति से वो प्रेसिडेंट भी चुन लिए जाते हैं और सत्ता में आते ही तो आपको पता ही है अभी मैंने बताया था सबसे पहले तो वो सल्तनत का कंसेप्ट ख़त्म करते हैं और फिर कैलिफेट यानी खलीफा का भी जो पद होता है वो ख़त्म कर देते हैं इन द ईयर 1924 यानी 1923 में रिपब्लिक लाते हैं और 1924 में वो कैलिफेट को भी ख़त्म कर देते हैं फ्रेंड्स ये इनका मॉडर्नाइजेशन मैं आपको पॉइंट्स में बता रही हूँ ताकि आपको आंसर करने में इजी हो एंड एग्जामिनर को देखने में भी इजी हो तभी तो वो मार्क्स देंगे आपका तो पॉइंट्स में लिखना अलग अलग चीज़ें ताकि ध्यान जाए एंड हाईलाइट ज़रूर करना फ़्रेंड्स सो सेकंड पॉइंट हम देखते हैं डरविश लॉजेस दोस्तों इन्हें खान का भी कहते हैं अपने इंडियन हिस्ट्री में जो सूफिज्म टॉपिक है उसमें पढ़ा होगा खान का तो वही है ये डे दे, डरविश लॉजस यहाँ सूफीज सेंट्स से रहते थे और लोग जब बहुत परेशान होते थे है ना तो यहाँ आते थे यहाँ पर अच्छे अच्छे बातों का ज्ञान विचार ये सब इन चीज़ों का आदान प्रदान होता था ठीक है लोगों को यहाँ बहुत पीस और रिलैक्स हो फील करते थे पर एक्चुअली में ये जो डेरविश लॉजेस थे ये भी रिलेटेड तो धर्म से ही थे सो so, इसी कारण ये भी निशाना बनते हैं केमाल पाशा का और इन डेरविश लॉजेस को बंद करवा दिया जाता है केमाल पाशा के द्वारा थर्ड हम मॉडर्नाइजेशन देखते हैं दोस्तों लॉ में पहले इस्लामिक पर्सनल लॉ होता था जो कि शादी तलाक इन सब मैटर्स पर लॉ बनाता था है ना शरिया का कानून था वहाँ पर पर कमाल पाशा को ये चीज़ें पिछड़ी सी लगती थी उन्होंने शरिया की जगह स्विस कानूनों को थोड़ा थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस किया जो स्विस लॉ थे और उसको फिर टर्की में इम्प्लीमेंट कर दिया जिसके साथ ही वुमेंस को काफ़ी सारे अधिकार भी मिल गए थे ये जो नया कानून आया उसके वजह से सो ये भी मॉडर्नाइजेशन था हमने किस में देखा कानून में ठीक है अब हम देखते हैं थोड़ा उसमें जो पहनावा वगैरह था उसमें भी चेंजेस आ रहे थे जैसे कि जो पगड़ी और टोपियाँ होती थी उस पर बैन लगा दिया और कैसा टोपी एक टोपी होता है फ्रेंड जिसको के फेज कहते हैं एफ ई जेड फेज ये रेड कलर का होता है और उसमें ब्लैक कलर के बहुत सारे धागे निकले होते हैं साइड में आपको पिक्चर में दिख रहा होगा साइड में तो ये टोपिया होती थी तो इस पर भी उन्होंने बैन लगा दी क्योंकि इनको ये टोपियाँ ना मतलब बैकवर्ड वाली फीलिंग देती थी, थी केमाल पाशा को कि सभी लोग धर्म से इतने ज़्यादा अटैच हैं कि उससे से रिलेटेड टोपी भी पहन रहे हैं ना इतना धर्म से क्यों जुड़ा रहना और पाशा को स्टेट से धर्म को अलग करना था तो इसलिए उन्होंने इस पर भी बैन लगा दिया फिफ्थ टॉपिक में हम देखते हैं तुर्की को सेकुलर करने के लिए धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए जो इस्लामिक टाइम और कैलेंडर था उस तक को वो चेंज कर देते हैं पहले फ्राइडे को लीगल हॉलिडे हुआ करता था क्योंकि फ्राइडे के दिन जो मुस्लिम्स होते हैं उन उनका वो प्रेयर का डे होता है ठीक है तो अब वहाँ पर यूरोप का कैलेंडर जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया और जिसके तहत अब लीगल हॉलिडे कब होगा अब होगा संडे को तो यहाँ वीकली हॉलीडेज भी रिलीजन से रिलेटेड थी फ्रेंड्स है ना सो कमाल पाशा के मॉडर्नाइजेशन में इन सब को खत्म कर दिया गया और ग्रेगोरियन कैलेंडर इम्प्लीमेंट किया गया एंड सिक्स पॉइंट में हम देखते हैं कि वैसे तो इस्लाम धर्म में शराब को हाथ लगाना मना है पर 1926 में केमाल पाशा इस पर भी कानून ला देते हैं और इसे एक लीगल राइट right बना देते हैं लाइक like, अब अगर कोई व्यक्ति कंज्यूम करना चाहे तो वो कर सकता है ये भी कानून ला देते हैं सो so, आप देख रहे हो कि कितने ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव ला रहे थे ये है ना सदियों से, से, से जो चीजें चली आ रही थी उन सब में ये बदलाव ला रहे थे एंड फ्रेंड्स आपको हमारे चैनल पे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्ट हिस्ट्री ऑफ यूरोप चाइना एंड जापान एशिया की हिस्ट्री इंडिया की हिस्ट्री अमेरिका की हिस्ट्री इन शॉर्ट हिस्ट्री के सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे और साथ ही आपको मिलेंगे यहाँ पे ढेरों सारे है ना ढेर सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले एंड हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें दोस्तों और नीचे दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं तो अब सोसाइटी में चेंजेस हो रहा है मॉडर्नाइजेशन लाया जा रहा है तो वुमेंस को एड्रेस करना तो मस्ट है क्योंकि सोसाइटी वुमेंस के बिना तो बन नहीं सकती कंप्लीट हो नहीं सकती तो वुमेन्स के हक़ को भी एड्रेस किया गया वुमेन्स को भी बहुत सारे फ्रीडम्स मिले अब बहुत से मामलों में आदमी के बराबर का उनको हक दिया गया और औरतों को भी अब कानूनी रूप से इक्वालिटी मिली है ना समानता मिली और ये सब जो चीज़ें थी चेंजेस कौन ला रहा था जी हाँ के माल पाशा ला रहे थे और हम चेंजेस देखते हैं जैसे कि कुछ धार्मिक कपड़े होते थे रिलीजियस ड्रेस होते थे उन्हें पहनकर इधर उधर जाने पर मनाही लग गई ठीक है जब आप वर्शिप कर रहे हो अब अब आप, आप अपने पूजा घर में हो जो भी आपका पूजा का घर है आप वहाँ पे वर्शिप कर रहे हो तब तो आप पहनो पर उसे पहन के आप इधर उधर नहीं जाओ क्योंकि कमाल पाशा को धर्म निरपेक्ष इस्टेट बनाना था सेकुलर स्टेट बनाना था और ये रिलीजियस ड्रेसेस रिलीजन को शो कर रहे हैं तो कमाल पाशा के अकॉर्डिंग मॉडर्न टर्की में ये सब नहीं चलेगा सो so, uh, अब देखिए नाइन्थ पॉइंट में हम देखते हैं कि अगर हम भाषा की बात करें है ना लैंग्वेज या फिर स्क्रिप्ट की बात करें तो अरेबिक भाषा को टर्किश से रिप्लेस करने की पूरी तैयारी थी जो पवित्र कुरान होता है दोस्तों वो अरबी भाषा में लिखा होता है उसे टर्किस में ट्रांसलेट करवा दिया गया ठीक है एक्चुअली अरबी जो लैंग्वेज है वो इस्लामिक सिविलाइजेशन की देन है उससे जुड़ी हुई है इसी वजह से जो लिखने की और बोलने की भाषा थी वो भी टारगेट बन जाते हैं रिफॉर्म्स के एंड एक यशार नबी नायर साहब हैं उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है उसमें वो लिखे हैं कि लैंग्वेज चेंज करने की वजह से अब जो नई पीढ़ी आ रही है ना उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो भी साइंस था ठीक है या जो भी एक्सपेरिमेंट या डेवलपमेंट जो हो रहे हैं ठीक है उनको समझने में अब नई पीढ़ी को तो बहुत आसानी होगी क्योंकि वो वेस्ट की चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं ठीक है तो वो उन चीज़ों को ईज़िली समझ जाएंगे लेकिन अब वो अपने ही लैंग्वेज से दूर हो रहे हैं है ना तो अब ईस्ट एशिया को समझ पाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा मतलब एक आसान हुआ तो दूसरा मुश्किल हो गया तो अब लैंग्वेज में चेंज हुआ स्क्रिप्ट में चेंज हुआ तो एजुकेशन में भी होगा तो एजुकेशन में देखा जाए तो एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया पढ़ाई अब सभी को करनी है कंपलसरी है ये एंड जितने भी रिलीजियस स्कूल थे उन सबको बंद करवा दिया गया जैसे मदरसा वगैरह जो, जो होते हैं उन सबको बंद करवा दिया गया क्योंकि पाशा के अकॉर्डिंग पढ़ाई में धर्म नहीं आना चाहिए धर्म एक्चुअली में पाशा के अकॉर्डिंग कहीं नहीं आना चाहिए सिवाय आपके पर्सनल बिलीफ के ठीक है आप आपका जो बिलीफ है वो आप करो और आप रखो लेकिन वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए पब्लिकली अब हम कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखते हैं जैसे कि उन्होंने होम इंडस्ट्रीज़ को प्रोमोट किया ठीक है एग्रीकल्चर को भी वो काफ़ी बढ़ावा देते हैं ठीक है कृषि के लिए कॉलेज और कृषि के लिए बैंक भी शुरू किए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी केमाल पाशा मॉडर्नाइजेशन ला रहे थे और उसके साथ ही इकोनॉमी में सुधार के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे रहे थे इसका एक एग्जांपल हमें मिलता है अंकारा से जो कि अंकारा तो हमें पता है ना वो कैपिटल था टर्की का उसे घोषित कर दिया गया था तो पहले अंकारा छोटा सा गाँव था जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ था एंड शुरू शुरू में औ, और, और मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ था ऊँची ऊँची चोटियाँ थी उबड़ खाबड़ रोड थे मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था बस छोटा सा ऐसि कोने में कहीं था ठीक है लेकिन जब वो उसे कैपिटल घोषित किया गया तब बनी वहाँ पे ये चौड़ी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े रिक्रिएशनल ग्राउंड है ना पूरा चका चक कर दिया गया अंकारा को भाई अब वो कैपिटल है उसे तो करना पड़ेगा ना तो इकोनॉमी में सुधार लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करा गया फ्रेंड्स अगर आपको समझ आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट भी करना एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है आपके कमेंट्स पढ़ना एंड उन पर रिप्लाई करना तो प्लीज़ मेरे लिए एक कमेंट प्लीज़ जरूर ड्रॉप करना और अब तो लगभग कमाल पाशा ने हर चीज़ में कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स कर डाला है पर अभी भी एक चीज़ रह रहा है वो था सरनेम ठीक है तो अब उन्होंने सरनेम में भी बदलाव लाया टर्की में अब कोई भी पुराना सरनेम वगैरह यूज़ नहीं होगा जैसे कि पाशा वगैरह क्योंकि इससे भी जो मुस्तफा कमाल थे उन्हें कहीं ना कहीं रिलीजन से जुड़े होने की महक आती है इन टाइटल्स से ठीक है तो वो अडॉप्ट करते हैं एक न्यू टाइटल जिसका मतलब तो जिसे कहते हैं हम लोग अता टर्क जिसका मतलब होता था फादर ऑफ द टर्क है ना टर्क का पिता हिंदी में अगर हम कहें तो तो हम देख रहे हैं वुमेन के स्टेटस को ठीक करते हैं कमाल पाशा स्विस सिविल लॉ लाते हैं ठीक है थीके? रिपब्लिक घोषित कर देते हैं टाइटल्स को एबॉलिश करते हैं सल्तनत को भी एबॉलिश कर दिया था कैलिफेद भी खत्म कर दिया था एजुकेशन पॉलिसी बदल रहे हैं जो पहनावा उड़ावा होता है उसको वो मॉडर्नाइज कर रहे हैं लैंग्वेज तक को मॉडर्नाइज कर डाला ताकि वेस्ट को है वहाँ की जो जनरेशन है वो ईजिली समझ पाए है ना उनकी चीज़ों को अडोप्ट कर पाए तो इन शॉर्ट वो पॉलिसी ऑफ वेस्टर्नाइजेशन को वो फॉलो कर रहे थे वो वेस्टर्नाइजेशन लाना चाह रहे थे इसलिए वो इस पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे तो अभी तक हमने देखा कमाल पाशा और उनके द्वारा किया गया मॉडर्नाइजेशन पर फ्रेंड्स आप जब भी कुछ अच्छा काम करो या कुछ भी करो ठीक है तो आपको क्रिटिक्स का सामना करना ही पड़ता है आलोचनाएं सुननी ही पड़ती है इसलिए कुछ हिस्टोरियंस जो थे इन्हें डिप्लोमैट भी कहते हैं डिप्लोमैट का मतलब होता है दोस्तों तानासा जैसे आप समझ सकते हो जैसे कि जर्मनी में हिटलर था ठीक है इटली में वो था और अभी अगर प्रेजेंट टाइप में देखें तो जैसे नॉर्थ कोरिया का है किम जोंग तो उसी तरह इन्हें भी डिप्लोमैट कहा गया बट हमाल पाशा के फेवर्स में भी बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं जो इन्हें डिप्लोमैट से अलग करते हैं जैसे जनरली जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो क्या चाहते हैं जैसे कि हिटलर वगैरह था वो क्या चाह रहे थे अपना एक्सपेंशन कर रहे थे ठीक है जो जर्मनी था उसको एक्सपेंड कर रहे थे ठीक है लेकिन जो कमाल पाशा थे उनका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था एक्सपेंशन जैसी चीज़ों में इन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था ये तो बस एक स्ट्रॉन्ग और रिच टर्की बनाना चाह रहे थे किसके लिए अपने लिए नहीं बनाना चाहते वो लोगों के लिए बनाना चाह रहे थे तभी तो इन्होंने रिपब्लिक का वहाँ पे स्थापना किया अपने लिए चाहते तो वो अपने ही को बढ़ाते ना क्यों ख़त्म करते इस सल्तनत वाली चीज़ों को तो वो इसलिए हम देखते हैं कि मतलब ओ, ये वैसे वाले डिप्लोमेट नहीं थे एंड इन ये बिलीव करते थे इन द पॉलिसी ऑफ या इन द प्रिंसिपल ऑफ लीव एंड लेट लीव यानी खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो तो इन्हें डिप्लोमेट कर देना पूरी तरह से ये मतलब कहीं ना कहीं सही नहीं होगा पर कुछ हद तक ये डिप्लोमेट थे पर ये अच्छे सेंस में थे ठीक है बाकी डिप्लोमेट्स की तरह है ना हिटलर और मुसलोनी की तरह ये क्रूअल नहीं थे सो so, अब हम देखते हैं कंक्लूजन पार्ट आंसर के लास्ट में कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है या बिल्कुल भी स्किप ना करें अपने आंसर राइटिंग में बिकॉज देयर इज़ अ फॉर्मेट दैट वी हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स तो आपको ये लिखना चाहिए सो so, कंक्लूजन में हम देखते हैं टर्की पहला ऐसा मुस्लिम राष्ट्र था जो सेकुलर बना खेम अटा टर्क टर्की का उनको फादर कहा गया एंड टर्की को इनके ही रिफॉर्म से मॉडर्नाइज किया गया था इसलिए इन्हें ऐसा कहा भी गया और बहुत सारे कष्टों से है ना इन्होंने टर्की को मुक्त करा ठीक है और इन रिफॉर्म्स ये जो रिफ़ॉर्म्स थे इतने इजीली नहीं आए बहुत सारे रुकावटें थी पर मुस्तफा कमाल का जो क्रांति था और जो सुधार था और उसके दम पे उन्होंने मॉडर्नाइज़ करा फ्रेंड्स आई होप मुदना की तरह ये वीडियो आपके लिए भी बहुत यूज़फुल रहा होगा तो लाइक बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़े So, see you soon in the next video with a new question paper analysis and notes also. Thank you.